कांग्रेस महाराष्ट्र की राजनीति में एक बिग ब्रदर रहा है और पार्टनर्स रहे हैं उनके. उनके कार्यकाल में हमने बहुत टेररिज्म देखा है, बी एट द 93 बॉम्ब ब्लास्ट, बी एट द ताज होटल बॉम्बिंग. हमने ये भी देखा है कि इतने गंभीर एपिसोड्स के बाद ना तो उनके लीडर कोई ग्रीफ, कोई चिंता, कोई मरोस कुछ व्यक्त नहीं करते. इनफैक्ट 93 के ब्लास्ट के वक्त चीफ मिनिस्टर शरद पवार जी ने एक एडिशनल ब्लास्ट इन्वेंट किया था ताकि समाज मुसलमानों पर उंगलियां ना उठाए. और ताज की बॉम्बिंग के बाद चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर अपने बेटे जिनको वो एज एन एक्टर लॉन्च करना चाहते थे, फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, एक्टर ये टेरर टूरिज्म के लिए होटल पर दौरा करने गए. तो नाउ वी सी दैट टेररिज्म हैज बीन वाइप्ड आउट. बट व्हाई डज इट हैपन? व्हाई डज टेररिज्म बिकम सो वाइड स्प्रेड, हैड बिकम सो वाइड स्प्रेड इन कांग्रेस रूल? एंड हाउ आर यू एबल टू कीप द कंट्री सेफ अंडर प्राइम मिनिस्टर सर? देखिए, एक बात तो दुनिया का सत्य है, भय बिना होए न प्रीत, ये रामायण में भी कहा है. और जो व्यक्ति या जो संस्था या जो देश मजबूत होता है वही शांति प्रस्थापित कर सकता है, कमजोर कभी शांति प्रस्थापित नहीं कर सकते. और भारत ने एक ऐसा दौर देखा है कि जब हमारा पड़ोसी देश हमारे देश में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता था, आतंकियों को भेजता था, हमारे देश में अलग अलग प्रकार से बम विस्फोट करवाता था, लोगों को मारता था, और हमारी सरकार क्या कहती थी? हमारी सरकार कहती थी कि हम इसका निषेध करते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं, हम यूनाइटेड नेशन में जाकर कंडेम करते हैं, हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं. ये कंडेम करते रहते थे, वो बम विस्फोट करते जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि भारत में ये ताकत नहीं है कि भारत हमारे ऊपर रिटेलिएट कर पाए. लेकिन जिस समय मोदी जी ने पहला स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, उस समय उनके ध्यान में आया कि भारत रिटेलिएट कर सकता है. लेकिन बावजूद उसके उन्होंने जब दूसरा अटेम्प्ट किया और जब एयर स्ट्राइक हुआ तो उनके ध्यान में ये कैपेबिलिटी भारत की आई कि ये पुराना भारत नहीं है जो अमेरिका के पास जाकर रोएगा, जो यूनाइटेड नेशन में जाकर रोएगा कि भाई हमको बचा लो, इनको समझाओ. ये सीधे अटैक करने वाला भारत है, ये मोदी जी का भारत है. ये जैसे उनके ध्यान में आया तो परिणाम ये हुआ कि आज उनकी हिम्मत भारत पर अटैक करने की नहीं है. आप विचार कीजिए, मुंबई पर जो हमला हुआ था 26/11 को, इट वॉज नॉट एन अटैक ऑन मुंबई, इट वॉज अटैक ऑन इंडिया सॉवरेंटी. देखिए, टारगेट जो चुने गए थे, ताज होटल, ट्राइडेंट, ये क्यों चुने गए थे? ट्राइडेंट इसलिए चुना गया था कि दुनिया की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी ट्राइडेंट में रहती है. ताज इसलिए चुना गया था कि भारत के जो आर्थिक केंद्र है उस आर्थिक केंद्र का सिंबल ये ताज होटल है. तो उन्होंने हर चीज इस प्रकार से चुनी थी कि एक संदेश देना चाहते थे कि हमारे सामने भारत कुछ नहीं है, 10 लोग मिलकर भी हम भारत को हिला सकते हैं. और वो संदेश उन्होंने बहुत, मैं ऐसा कह सकता हूं दुर्दैव से, कि उन्होंने सफलतापूर्वक दिया. लेकिन उस समय की हमारी रिएक्शन क्या थी? हम लोग अमेरिका के पास चले गए और अमेरिका ने ये सारी चीजें पता होते हुए भी डेविड हेडली, तऊर राणा, ये सारे जो आतंकी थे जो उसके पास थे, उनका एक्सेस भी हमको नहीं दिया. तो मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद हम लोग वो एक्सेस ले पाए. जो लोग इस षड्यंत्र में थे उनको दंडित करने का काम हमने किया. तो कांग्रेस की सरकार में एक बहुत वीक इस प्रकार की गवर्नमेंट को हमने देखा, जो अपने आप को मजबूत नहीं रख सकती थी,
जो अपने आप को एसेट नहीं कर सकती थी, जो दूसरी शक्तियों पर डिपेंडेंट थी, और फिर वही चीजें नीचे तक आती है। देखिए जैसी सरकार देश में चलती है वैसी सरकार फिर प्रदेशों में चलना शुरू हो जाती है। तो ये परिस्थितियां उस समय हमने देखी। आज हम लोग ये दावे के साथ कह सकते हैं, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, अब चीन की भी ये हिम्मत नहीं है कि चीन सीधा आंख उठाकर हमारे सामने देख सकते।